सो रुचिता, आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में भयंकर वाला मार्केटिंग किया है। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना रहा है, तो उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, उन्हें किन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विथ मे बी क्या स्किल्स होने चाहिए, यू कुड से सॉफ्ट स्किल्स क्या होने चाहिए और क्या टाइप के उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग मार्केटियर में, जैसे मैंने पहले कहा था, इंग्लिश, एक इंग्लिश इंग्लिश एंड अच्छे से आना कम्युनिकेशन, चाहिए, लेट्स सेपरेट कम्युनिकेशन इट आउट। स्किल्स। हाँ हाँ, जी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन दो अलग चीज भी हो गई, ओके ओके। राइट? तो हाँ जी, पर कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे होने ही चाहिए, राइट बिकॉज आप यहाँ पे एक जन से नहीं, बहुत जनों से बात कर रहे हो मार्केटिंग राइट करते वक्त। राइट इस वजह से आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपको इतने जन से बात करनी है। राइट सो वो एक चीज हो गई। और हाँ जब और मैंने जितने भी कंपनीज में काम हाँ किया है, हाँ मुझे सारे वो टूल्स जब ज्वाइन हाँ किए थे तब नहीं हाँ आते थे। हाँ हमने ऑन द जॉब सीखे हैं, हाँ हाँ गलतियां की है और हाँ वापस उधर से सीखे हैं। सो मेरे को लगता है एक लर्न करने की एबिलिटी टू एडजस्ट और टू क्विकली लर्न, दैट हाँ शुड ऑलवेज बी देयर, या कि यू शुड पिक अप, यू शुड बी टेक सावी, यू शुड हैव दैट क्यूरियोसिटी कि मैं अगर ये सेगमेंट हटाऊं तो कितने जन बचते हैं, या ये टाइप ऑफ ऑडियंस डालूं तो कितने जन होते हैं, हम्म, राइट? सो यू शुड बी एबल टू यू नो बी क्यूरियस, एबल, या वेरी इंटरेस्टिंग। सो अ गुड मार्केटर आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट क्यूरियस, करेक्ट बिकॉज़ अगर मार्केटिंग वाज अबाउट कि ये चार चीज कर दो आपका बिजनेस चल गया, तो बराबर, हर कोई वो चार चीज कर जी देगा हाँ, तो सबका बिजनेस चल जाएगा, पर करेक्ट, सबका नहीं चल सकता, यस तो देयर यस, इज अ कंपटीशन। करेक्ट, सो सबको इनोवेटिव सॉल्यूशंस लगाने हैं, तो इनोवेटिव हाँ सॉल्यूशंस लगाने के लिए जुगाड़ जिसको कहते हैं, यू हाँ हैव टू बी जी क्यूरियस, जी हाँ, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू फिगर द मार्केट। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई नेवर थॉट की द फर्स्ट थिंग आई विल थिंक अबाउट मार्केटर इज कि पर्सन शुड बी क्यूरियस। यस हाउ डू यस, यू मेजर कि कोई क्यूरियस कैसे है? जस्ट उनकी मे बी हॉबीज पूछिए, जस्ट एक कोई प्रॉब्लम सेट दीजिए, देखिए कैसे जाते हैं। जैसे कि हम अभी पहले बात कर रहे थे, अगर कोई बिरयानी का रेस्टोरेंट प्रमोट करना है, मैंने खुद ने कभी जोमेटो पे ऐड नहीं किया है, राइट? पर अगर मैं FMCG ज्वाइन करती हूँ, मैं पहले फेसबुक या गूगल ऐड नहीं सोचने वाली हूँ, मैं जोमेटो सोचने वाली हूँ, मैं स्विगी सोचने वाली हूँ, मैं सोचने वाली हूँ कि मैं ब्लिंकिट से 10 मिनट में भिजवा सकती हूँ क्या। सो आई थिंक एक मार्केटियर को अपने तरफ से तो सोचना है ही नहीं, उनको सोचना है कि तुम किसको मार्केट कर रहे हो और उस हिसाब से। सो वो एबिलिटी टू इवन अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपने कहा कि ऑन द जॉब आपने सीखा, करेक्ट तो लेट्स करेक्ट, बी क्लियर कि जो स्किल्स और टूल्स की हम बात कर रहे हैं आपको उनके बारे में पता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब मिलने के पहले आप एक्सपर्ट होने चाहिए उनमें, जी हाँ यू जी लर्न ऑन द हाँ, जॉब। यस यस। सो लेट्स से मुझे टूल के बारे में नॉलेज था 3 to 4, हाँ, बट जॉब पे आने के बाद वो 8 to 9 हो गया, ऑन अ स्केल ऑफ 10, यस, ऑन द स्केल ऑफ 10, बिकॉज आपको आपका ऑडियंस समझता है, राइट? सो आपके ऑडियंस आपको पता है कैसा है, तो आप उसको वैसे तरह से सेगमेंट्स बनाने वाले हो, आप राइट। सोच के नहीं जाते। सो सो या कंटेंट, कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइटिंग, राइट, सॉफ्ट क्यूरियोसिटी, स्किल्स में, सॉफ्ट हाँ स्किल्स में क्यूरियोसिटी इज अ इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। उसके अलावा कोई और स्किल दैट यू वांट टू हाईलाइट? इज इट मे बी सम अमाउंट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स आर नीडेड कि आपको एनालाइज करना है कुछ डेटा हाँ आया? जी हाँ जी। एनालिसिस के बारे में हम हार्ड स्किल्स में शायद से बात करेंगे। मेरा ये एक बहुत बड़ा लर्निंग हुआ है टू ऑलवेज क्लोज द लूप। व्हाट आई मीन बाय क्लोजिंग द लूप हाँ इज, अगर मैंने लेट्स से ये चीज सोची है, आई एम हाँ गोइंग टू जस्ट स्टिक टू आर एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी, हाँ ओके? बिरयानी का एड मेरे को जोमेटो पे रन करना है और स्विगी हाँ पे रन करना है, राइट मैंने हजार हजार रुपए दोनों तरफ डाले हाँ हैं, हाँ पर मेरे को जोमेटो से विजिट्स ज्यादा आए हैं मेरे वेबसाइट पे, पर स्विगी से ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, बराबर? पैसा ज्यादा वहां बना स्विगी स्विगी पे, से, ऐसा बराबर, होता नहीं है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, नथिंग अगेंस्ट स्विगी और जोमेटो, या ए ओके, या बी बोल देते हैं, ए या हाँ बी। सो हाँ बी से ज्यादा पैसे हाँ ऑर्डर्स आए हाँ हैं, हाँ तो ऐसा आई मीन क्लियरली बी बी जीता है। पर लेट्स से अभी अगर मेरे को सिर्फ ब्रांडिंग करना है तो जोमेटो बेहतर था, हाँ पर अगर मेरे को ऑर्डर चाहिए तो बी बेहतर था, स्विगी बेहतर था। इंटरेस्टिंग। तो
ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो कोई भी काम करते हो, आप जितना भी लिखते हो, आइडिया सोचते हो, आप कंटेंट बना रहे हो, मेक श्योर आप उसको ट्रैक कर रहे हो कि उस पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कौन से दिन पे आ रहे हैं, कौन से टाइम पे आ रहे हैं. हमने ये काफी कुछ किया है इन ऑल. सो ऑलवेज ऑलवेज always make sure you're closing the loop of that one particular very interesting strategy. I think सबसे important चीज़ यही थी. Yes. before we move on to क्या tools होते हैं marketing में. हाँ जी. Let me tell you, ये जो आपने चीज़ समझाया उसको मैं बोलता हूँ धंधा mindset. हाँ जी. अगर कोई job interview के लिए आता है, मेरा एक friend है, वो एक snacks का brand चलाता है, famous brand called Fabbox. Okay. तो healthy snacks बनाते हैं, वो D2C brand है, Shark Tank में आने का सब brand है, वो right? Don't be surprised if you see on Shark Tank. Actually, ऐसा बहुत अच्छा brand है. हाँ जी. अब ये फैबबॉक्स के जो फाउंडर है देवांग, उनसे बात हो रही थी मेरी. अब वो मुझे बताते हैं कि मैंने उनको पूछा कि जॉब इंटरव्यू जब आप लेते हो लोगों का, तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, मतलब मार्केटर्स में क्या गलती दिखती है. हाँ. तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कोई आता है मेरे पास, मैं उसको लेते 50 लाख का बजट दूंगा, बजट यूज कर लेगा, और सामने कैंडिडेट बिना कोई डाउट, बिना हिचकिचाए, बिना कोई सवाल पूछो, हाँ सर 50 लाख का बजट मैं यूज कर लूंगा. वो बोलते हैं मैं डर जाता हूँ, ये साल का 6 करोड़ रुपया खर्चा करने की बात कर रहा है, राइट? ना उसने मुझसे कुछ सवाल पूछा, ना उसने पूछा कि मार्जिन कितने हैं, ना उसने पूछा कि कस्टमर कहाँ से आते हैं, कौन से शहर से, कि 50 लाख खर्चा करके कितने का सेल लाना पड़ेगा, ये तो पूछा ही नहीं. तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि पैसा खर्चा कर देना है, मार्केटिंग का मतलब ये कि बिजनेस को ग्रो करना है. तो धंधा माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, and actually Ankur, you gave a very nice example. तो जैसे मैंने बोला है closing the loop, ये जो सारा end में हमको जो statistics करना है वो मैंने बता दिया किस तरह से करना है, पर आपको पहले एक clear goal भी होना जरूरी है. मतलब हम जो कुछ भी, जैसे कि वही बिरयानी के example में, अगर मेरे को आपको ऐसा था कि audience orders तो आ रहे हैं, हमको सिर्फ branding करा के हमको, मतलब you know, हम एक टाउन में नया बिरयानी के लिए स्पॉट है, यही बताना है, तो वो ब्रांडिंग रिलेटेड हो जाता है. तो तुम जोमैटो या कोई भी सिर्फ ब्रांडिंग के लिए ही स्टिक करो, तो इवन इफ यू गेट मोर ऑर्डर्स फ्रॉम स्विगी, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू स्टिक टू ए. सो आप पहले मोटिव डिसाइड करो, उस हिसाब से स्ट्रेटजी, एंड उस हिसाब से एंड गोल, एंड मेजर करो क्या चला क्या नहीं चला. जी हाँ, जी हाँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो आप बताइए कि मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करियर में अलग अलग टाइप के टूल्स क्या होते हैं. ओके ओके. सो टूल्स काफी सारे हैं फॉर अ बिगिनर. आई वुड एक्चुअली से कि यू नो व्हेन यू स्टार्ट विद अ कंटेंट राइटिंग टूल, राइट? सो बी आप माइक्रोसॉफ्ट सूट को काफी अच्छे से जान लो, विच इज योर डॉक्स और विच इज योर एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. जैसे कि मैंने बोला क्लोजिंग द लूप, आपको पीपीटी में ही सारे स्टैट्स अच्छे से प्रेजेंट करने हैं कि ये चला ये नहीं चला. एट द सेम टाइम गूगल सूट आल्सो, ये सेम चीज, गूगल डॉक्स, गूगल सूट, माइक्रोसॉफ्ट, एनीथिंग, व्हिचएवर यू आर कंफर्टेबल विद. डॉक्स पे, डॉक्स विल हेल्प यू विद योर ग्रामर. एक ऑफलाइन कॉपी रहती है, गूगल पे लिखना है तो गूगल पे लिख लो, नॉट एन इशू. सो माइक्रोसॉफ्ट सूट सीखना चाहते हैं कि गूगल डॉक्स कैसे यूज करें, पीपीटी कैसे यूज करें, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट इट, कमेंट करके मुझे बताइए. लेकिन एक्सेल के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो वो एक है, गूगल हो गया, और जब एक 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 छोटा सा टूल है, बहुत छोटा टूल पर बहुत बड़ी बड़ा काम करता है, विच इज कॉल्ड गूगल UTM पैरामीटर बिल्डर. एवरी मार्केटियर शुड नो दिस, आई बिलीव दैट. जो मैंने पहले बात करी थी क्लोजिंग द लूप, अगर मैं एक कैंपेन चला रही हूँ तो कैसे जाने कि वही कैंपेन की वजह से कन्वर्जन हुआ है. कन्वर्जन इज बेसिकली जो कुछ भी तुम्हारा एंड मोटिव है, जैसे कि सपोज ऑर्डर्स या सेल हुआ है, तो वो पता चलता है बिकॉज ऑफ द UTM पैरामीटर्स एंड लेट्स कॉल इट एट्रिब्यूशन. कोई भी ईमेल, व्हाट्सएप, कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी ले लो, डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी, जो लिंक आप क्लिक करते हो उस पे ढेर सारे UTM पैरामीटर्स लगे होते हैं. और लेट्स पुट इट दिस वे कि मुझे अपना YouTube चैनल प्रमोट करना है या अपनी वेबसाइट प्रमोट करना है. जी हाँ. मैंने आपको अपना लिंक दिया. हाँ जी. कि मेरी वेबसाइट आप प्रमोट करो. हाँ. मैंने अंशिका भी, हाँ, अंशिका को भी अपना लिंक दिया. हाँ जी. वेबसाइट का. हाँ जी. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रुचिता के लिंक से लोग आए या अंशिका के थ्रू लोग आए. एग्जैक्टली. तो दोनों को जब मैं लिंक दूंगा, लिंक के आगे कुछ मैं अलग अलग लिख दूंगा. हाँ जी. जो यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ लिखा है. हाँ जी.
लेकिन जब यूजर आएगा उस लिंक से हाँ तो मुझे पता चलेगा कि ये लिंक में आगे क्या लिखा था हाँ और ये रुचिता का लिंक था या अंशिका का लिंक बराबर हाँ। बहुत सारा मार्केटिंग सिर्फ इस बेसिस पे होता है। जी हाँ जी हाँ, बहुत सारा एट द एंड जब लोग स्ट्रेटजीज अपने जो कैंपेन्स इवैल्यूएट हाँ। करते हैं वो इस बेसिस पे ही होता है यूटीएम पैरामीटर्स के हिसाब से। सो गूगल यूटीएम्स इज पैरामीटर बिल्डर एक हो गया एंड अभी जो बाकी का डेटा एनालिसिस है राइट, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन द मार्केट वेदर इट्स टैबलू वेदर इट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बहुत सारा काम होता है वेदर इट्स पिविट्स रन करना वी लुकअप्स करना जैसे कि सोचो तुमने छोटा सा सेगमेंट चूज कर लिया सिर्फ उनके लिए कूपन कोड रन करना है तो हाउ डू यू चूज दैट सेगमेंट। सो बहुत सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे होता है। Yes, Excel is a big topic. It's a very good must-to-have skill. Apart from that, marketeer-specific बहुत सारे tools हैं market में. मैंने पिछले बहुत सालों से CleverTap use किया है. Right. I use CleverTap because उसमें data भी है और तुम जो campaigns run कर सकते हो वो data तुम directly उसी tool में use कर सकते हो. Yeah. So CleverTap तो आज की तारीख में इतना important tool बन गया है तो आजकल ऐसा हो गया कि कंपनीज हायर करने निकलती है और बोलती है मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्हें CleverTap आता है। जी हाँ, जी हाँ। वो गूगल एनालिटिक्स जैसे एक चीज है कि आनी चाहिए। Yes. वैसे CleverTap और वैसे कई सारे टूल आ गए। Yes. So CleverTap का अगर आपको एग्जांपल जानना है तो समझिए कि मेरा एक फूड डिलीवरी का ऐप है तो मैं कह सकता हूँ कि बॉम्बे में जो लोग अंधेरी में रहते हैं जिन्होंने लास्ट 30 दिन में कोई ऑर्डर प्लेस किया है उन्हें ये वाला नोटिफिकेशन जाएगा। जिस नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हो सिर्फ उतने लोगों को ये नोटिफिकेशन जाएगा। या फिर मुझे जानना है कि बॉम्बे में अंधेरी में कितने लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की है लास्ट 7 दिन में तो वो डेटा मुझे दे देगा CleverTap। तो वैसे CleverTap एक बहुत ही यूजफुल टूल है, वेरी पावरफुल टूल, करेक्ट। सो CleverTap जैसे टूल्स आपको आने चाहिए फॉर जी हाँ एनालिटिक्स एंड मैसेजिंग कंबाइन कर देते हैं। बराबर बराबर, बिकॉज़ आप दिमाग में बहुत कुछ सोच लोगे इनको ऐसे टारगेट इनको वैसे, पर आपको एक्चुअली टूल में वैसा डेटा बनाना आना चाहिए राइट। आपको वैसे डेटा बनाने आ गया तो तब जाके आप मैसेज करोगे। तो इसलिए वो डेटा देखना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल आजकल, बहुत ही बेसिक सा टूल आजकल जो हर मार्केटर को आना चाहिए वो है कैनवा ग्राफिक्स बनाने के। यस यस, किसी जमाने में फोटोशॉप वगैरह सीखना पड़ता था। बंदे को ही शुड पिक अप और ही शुड एटलीस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। मेरे को लगता है हो जाएगा। टूल्स आर नॉट स्कैरी आई थिंक, ऑल दीज टूल्स आर वेरी इजी टू यूज। सो या दैट्स देयर, ब्रिलियंट। So, कई सारे टूल्स हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए। अगर इनके बारे में आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। सो थैंक यू रुचिता। ऑसम, थैंक यू। थैंक्स।